अत्रि ऋषि की पत्नी सती अनुसुईया ने वनवास के दौरान सीता जी से खुद पतिव्रता धर्म कहा और फिर कहा कि सीता तुम तो पतिव्रताओं में श्रेष्ठ हो। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे 11 महीने लंका में जहाँ सीता जी रहीं, राक्षसियाँ जिन्हें नाखूनों से कुरेदते रहीं, उनको तरह तरह तरीकों से प्रताड़ित करती रहीं। अंत तक ये वीडियो ज़रूर सुनिएगा, आपके मर्म तक ज़रूर पहुँचेगी ये बात। सीता को राम जी ने त्याग दिया ये गलत आरोप लगाकर देश की आज़ादी के बाद सेकुलर ने न सिर्फ राम जी को बदनाम किया बल्कि सीता जी के त्याग को भी भुला देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। असल में राम जी ने सीता का त्याग किया ही नहीं था बल्कि खुद सीता ने कैकेयी के जैसे वरदान का फायदा उठाते हुए वनवास गमन चुना था। राम जी को जब पहली बार पता चला कि वो पिता बनने वाले हैं तो उन्होंने सीता जी को एक वर मांगने के लिए कहा। बाद में मांग लूंगी कहकर सीता जी ने तब कुछ नहीं मांगा, लेकिन जब उन्होंने राम जी के दोस्तों को ये कहते सुना चरित्र पर एक धोबी सीता जी पे आक्षेप लगा रहा है तो सीता जी आहत हो गईं। एक राजवंशी होने के चलते वो राजधर्म जानती थी। प्रजा में से कोई अगर झूठा भी राजा पर कोई लांछन लगाए तो ये रघुकुल की मर्यादा के खिलाफ था। वो धोबी और उसकी पत्नी असल में पूर्व जन्म में तोता तोती थी जिन्हें बचपन में सीता जी ने कष्ट दिया था और उन्होंने उन्हें पति से अलग रहकर बच्चे पैदा करने का श्राप दिया था। इसी के चलते सीता जी ने राम जी से वरदान के रूप में खुद वनवास मांगा गया था, इसलिए राम जी विवश हो गए थे। ये तथ्य अगर आप मानते हैं तभी आपको पढ़ने चाहिए सीता जी के लंका में उठाए गए कष्टों के बारे में। धोखे से हरण के बाद रावण सीता जी को पहले अपने महल मलेशिया इंडोनेशिया ले गया था। वहां उसने चकाचौंध दिखाकर सीता को मान जाने को कहा, लेकिन सीता जी ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। तब वो उन्हें अशोक वाटिका ले गया जहां उसने राक्षसियों को उन्हें प्रताड़ित कर मनवाने को कहा था। सीता जी ने वहां अन्न जल त्याग दिया था और अनशन से प्राण त्यागना चाहती थी, लेकिन उसी रात इंद्र आए और उन्होंने राक्षसों के अंत का निमित्त बताया। विश्वास होने पर उन्होंने दिव्य खीर खाई जिससे भूख से उनके प्राण नहीं गए। पतिव्रत धर्म के अनुसार सीता जी ने स्नान करना भी छोड़ दिया और पैरों से सर रख दिन रात रोती रहती थी। श्रीलंका की लोक मान्यताओं के अनुसार उनके सीता जी के आंसुओं से बना तालाब आज भी वहां मौजूद है जिसका पानी कभी खत्म नहीं होता। नहाती नहीं थी इसलिए उनके शरीर में मैल जम गया था। जब रावण आता था उससे पहले राक्षसियां उनके बदन को अपने नाखूनों से कुरेद कर साफ करती थीं और जीभ से चाटती थीं। वो अपने लंबे दांतों को दिखाकर तो कभी अपनी लार सीता पर टपका कर उन्हें डराती थी। जिस दिन हनुमान जी लंका पहुंचे थे सीता जी से मुलाकात की थी उसी दिन ही सीता जी ने त्रिजटा के साथ मिल आत्महत्या की तैयारी कर ली थी। अगर हनुमान उस दिन ना पहुंचते तो उसी दिन रामायण समाप्त हो चुकी होती। इसलिए रामायण में सुंदर कांड का सबसे ज्यादा महत्व है। दोस्तों इस कथा इस प्रकरण के माध्यम से आप ये जान ही गए होंगे कि माता सीता ने कितने कष्ट उठाए और किस तरह अपने कर्तव्यों का उन्होंने पालन किया। दोस्तों मनुष्य जीवन कर्तव्य परायण है, यहाँ ना कोई स्त्री है ना कोई पुरुष है, यहाँ सब अपने कर्तव्यों के लिए अवतरित होते हैं और शायद ईश्वर हर बार अवतार लेकर मनुष्य जाति को यही समझाना चाहते हैं, यही प्रमाणित करना चाहते हैं कि जीवन सिर्फ कर्तव्य परायण होना चाहिए, हर किसी के लिए अपना एक कर्तव्य है। आशा करता हूँ आपको ये बातें जानकारी पसंद आई होगी। लाइक करें, कॉमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।